नमस्कार, आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। हम लोग श्री मां का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। सावित्री पर्व 11 सर्ग 1 पृष्ठ 709 द इटर्नल डे द सोल्स चॉइस एंड द सुप्रीम कंज्यूमेशन। शाश्वत दिवस, आत्मा का चुनाव और सर्वोच्च सिद्धि। हमारे समक्ष जो प्रसंग चल रहा है उसका मुख्य भाव इस प्रकार से है। सावित्री शाश्वत दिवस के क्षेत्र में यात्रा कर रही हैं। इस यात्रा के अंत में परम प्रभु सावित्री की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। वे सावित्री से कहते हैं कि हे सावित्री, जो कुछ तूने चुना है मैं भी वही चुनता हूं, जो कुछ तूने मांगा है वह सब मैं तुझे देता हूं। इसके पश्चात वे परम प्रभु सावित्री और सत्यवान को धरा पर जाने की अनुमति दे देते हैं और धरा पर जाकर मानव जाति के उत्थान का कार्य, जो कार्य सावित्री ने चुना है और जो कार्य वस्तुतः भगवान का अपना कार्य है, उसे करने की आज्ञा देते हैं। वे सावित्री को बताते हैं कि मन से परे एक अति मानसिक चेतना अथवा सत्य चेतना है जिसे मानव मन छू नहीं सकता है। धरा पर अभी इसका कोई धाम नहीं है, परंतु यह धरा के सभी सत्यों और सभी कार्यों का स्रोत है। यह चेतना, यह शक्ति मनुष्य को विकास के लिए प्रेरित करती है और यह उसके आनंद का माध्यम भी है। वे कहते हैं कि हे सावित्री, तुम्हारे और सत्यवान के प्रयास से धरा पर अति मानसिक चेतना का प्रादुर्भाव होगा और धरा को परम प्रभु का स्पर्श प्राप्त होगा। तब मानवीय मन, हृदय, जीवन और कर्म परात्परता के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएंगे। मनुष्य अज्ञान, मृत्यु और पीड़ा से मुक्त हो जाएगा और धरा पर जग सृष्टा परम आनंद, जिसने इस जगत की रचना की है, वह लौट आएगा। इसके पश्चात वे घोषणा करते हैं और आश्वासन देते हैं कि कालांतर में एक स्वर्णिम विधान धरा के अपरिवर्तनीय जड़ विधान का स्थान ले लेगा। मनुष्य से एक श्रेष्ठ जाति अर्थात सुप्रामेंटल रेस धरा पर प्रकट होगी। धरा पर उसका साम्राज्य स्थापित होगा। धरा पर एक दिव्य सामंजस्य स्थापित होगा और सकल प्रकृति दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगी। कालांतर में एक महत्तर सत्य धरा पर प्रकट होगा, एक दिव्य शक्ति मन, प्राण और कर्म का संचालन करेगी। मानवीय हृदयों में दिव्य अग्नि प्रज्वलित होगी और जगत की कार्य प्रणाली, जो अभी तक अज्ञता पर आधारित थी, वह अब प्रज्ञा द्वारा संचालित होगी।
धरा पर होने वाले सकल कर्म एक दिव्य हस्त द्वारा संपादित होंगे, परमात्मा स्वयं प्रकृति का संचालन करेंगे और संपूर्ण पृथ्वी प्रभु की कर्मस्थली बन जाएगी। सकल पृथ्वी परमात्मा की अभिव्यक्ति होगी और उसका धाम बन जाएगी। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ती हुई पृथ्वी की इस विकास यात्रा में इस रूपांतर का अर्थात मानव से अति मानव के प्रकटन का भागवत मुहर अवश्य आएगा, तब मृत्यु और अज्ञान का अंत हो जाएगा। यह घोषणा और यह आश्वासन आगे चलता रहता है और आज के अंश में हम देखेंगे कि वह परम प्रभु धरा पर अति मानव के प्रादुर्भाव के कारण भविष्य में होने वाले परिवर्तनों और सिद्धियों के विषय में सावित्री को कुछ और विस्तार से बताएंगे और अंत में वे पार्थिव जीवन की दिव्य जीवन में रूपांतरण की घोषणा करते हैं। हम लोग पृष्ठ नंबर 709 पर हैं, पंक्ति नंबर 9 पर। इससे पूर्व कुछ पंक्तियां जो हमारे सामने आई थी उनमें वह परम प्रभु सावित्री को बता रहे थे कि अति मानव के प्रादुर्भाव के बाद इस धरा पर सत्य का विधान आरोपित हो जाएगा और मनुष्य अपनी आत्मा की पुकार सुनेगा और सत्य आनंद और भगवान की अभीप्सा करेगा और अति मानव इस जगत को रूपांतरित कर देगा। अब जो पंक्तियां हमारे समक्ष आ रही हैं उसमें यही बात आगे बढ़ रही है और वह परम प्रभु सावित्री से कहते हैं कि यह जो अति मानव जाति है वह मनुष्य को उठाने के लिए, उसका विकास करने के लिए, उसका उत्थान करने के लिए नीचे झुकेगी और मनुष्य स्वयं अपने शिखरों को पाने के लिए अभीप्सा करेगा, प्रयास करेगा। इंटरप्रेटर ऑफ अ डिवाइनर लॉ एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ सुप्रीम डिजाइन द हायर काइंड शैल लीन टू लिफ्ट अप मैन, मैन शैल डिजायर टू क्लाइम टू हिज ओन हाइट्स। तो यह जो दिव्य विधान है, जो भागवत विधान है, उसका इंटरप्रेटर, उसका अनुवाद करने वाला वो कौन है? वह अति मानव है। इंटरप्रेटर ऑफ अ डिवाइनर लॉ एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ सुप्रीम डिजाइन। और वो कौन है? यह जो सर्वोच्च योजना है इस धरा के रूपांतरण की, जो योजना है उसका साधन है, उसका कारण है। वह जो जीव है, वह जो अति मानव है, द हायर काइंड शैल लीन टू लिफ्ट अप मैन, वो मनुष्य को उठाने के लिए नीचे झुकेगा अर्थात उसके स्तर पर आएगा। इंटरप्रेटर ऑफ अ डिवाइनर लॉ एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ सुप्रीम डिजाइन द हायर काइंड शैल लीन टू लिफ्ट अप मैन, मैन शैल डिजायर टू क्लाइम टू हिज ओन हाइट। और तब मनुष्य भी अपनी पराकाष्ठाओं को, अपने शिखरों को पाने की चाह करेगा। इंटरप्रेटर ऑफ अ डिवाइनर लॉ एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ सुप्रीम डिजाइन द हायर काइंड शैल लीन टू लिफ्ट अप मैन, मैन शैल डिजायर टू क्लाइम टू हिज ओन हाइट्स। और अब जो पंक्तियां हमारे समक्ष आ रही हैं उसमें वह परम प्रभु हमें बता रहे हैं कि ऊर्ध्व में स्थित एक सत्य है, वह इस जगत पर कार्य करेगा और धरा और मनुष्य को दिव्यता के प्रति जागृत करेगा और उसके प्रयास से यह जो
आत्मा और जो जड़ तत्व हैं वो एक हो जाएंगे और मनुष्य जाति दिव्य बन जाएगी। द ट्रुथ अबव शैल वेक अ नीदर ट्रुथ इवन द डम्ब अर्थ बिकम अ सेंशिएंट फोर्स। अर्थात ऊर्ध्व में स्थित एक सत्य जो अति मानस का सत्य है वो धरा के सत्य को जागृत करेगा और अचेतन धरा एक सचेतन शक्ति बन जाएगी, अर्थात इस कार्य में वह सहयोग करेगी। द ट्रुथ अबव शैल वेक अ नीदर ट्रुथ इवन द डम्ब अर्थ बिकम अ सेंशिएंट फोर्स। और तब यह जो प्रकृति है, पुरुष और प्रकृति अथवा आत्मा और जड़ तत्व, यह एक हो जाएंगे। द स्पिरिट स्टॉप्स एंड नेचर्स बेस शेल ड्रॉ नियर टू द सीक्रेट ऑफ देयर सेपरेट ट्रुथ एंड नो ईच अदर एज वन दीती। आत्मा का जो शीर्ष है और प्रकृति का जो आधार है, द स्पिरिट स्टॉप्स एंड नेचर्स बेस शेल ड्रॉ नियर टू द सीक्रेट ऑफ देयर सेपरेट ट्रुथ। उन दोनों का अपना अपना एक पृथक सत्य है और वह दोनों उस सत्य के निकट आएंगे। द स्पिरिट स्टॉप्स एंड नेचर्स बेस शेल ड्रॉ नियर टू द सीक्रेट ऑफ देयर सेपरेट ट्रुथ एंड नो ईच अदर एज वन डीटी। और वह एक दूसरे को एक ही देव सम जानेंगे, अर्थात आत्मा और प्रकृति एक ही है, इस सत्य को वह जानेंगे। द स्पिरिट स्टॉप्स एंड नेचर्स बेस शेल ड्रॉ नियर टू द सीक्रेट ऑफ देयर सेपरेट ट्रुथ एंड नो ईच अदर एज वन डीटी। द स्पिरिट शेल लुक आउट थ्रू मैटर्स गेज एंड मैटर शेल रिवील द स्पिरिट्स फेस। तो आत्मा जो है वो पार्थिव नेत्रों से अर्थात पदार्थ की दृष्टि से बाहर देखेगी और जो देह है, जो जड़ तत्व है, वह आत्मा के चेहरे को प्रकट करेगा। अर्थात जो रूप प्रकट होगा उसमें अंतर स्थित जो आत्मा है वह उस रूप की जो पार्थिव नेत्र हैं उससे बाहर झांकेगी और वह स्वयं देह आत्मा के चेहरे को प्रकट करेगी, अर्थात दोनों एक हो जाएंगी। द स्पिरिट शैल लुक आउट थ्रू मैटर्स गेज एंड मैटर शैल रिवील द स्पिरिट्स फेस। और तब क्या होगा कि यह जो धरा पर जो जीवन है वह संपूर्ण जीवन एक हो जाएगा। देन मैन एंड सुपरमैन शैल बी एट वन एंड ऑल द अर्थ बिकम अ सिंगल लाइफ। तब यह जो मनुष्य और अति मानव है ये परस्पर एक साथ जिएंगे, अर्थात इनमें कोई विरोध नहीं होगा। अगर अभी हम देखें तो हमारा जग किस प्रकार का है कि मानव जाति के प्रादुर्भाव के पश्चात मानव प्रकृति के विरोध में कार्य कर रहा है और जो दूसरी अन्य जातियां हैं, जो पशु जाति है, जो वनस्पति है, उसके विरोध में, उसके विपरीत कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य उस अंतर्निहित सत्य को नहीं जानता है। परंतु जब अति मानव इस धरा पर प्रकट होगा तो मनुष्य और अति मानव में परस्पर एक सामंजस्य होगा और सकल ये जो धरा है, इसका जो जीवन है, वो एक हो जाएगा। देन मैन एंड सुपरमैन शैल बी एट वन एंड ऑल द अर्थ बिकम अ सिंगल लाइफ।
तो हम देख रहे हैं कि इन पंक्तियों में वह परम प्रभु सावित्री को यह बता रहे हैं कि वह जो परम सत्य है, जो ऊर्ध्व में स्थित है, जब वह धरा पर कार्य करेगा तो क्या क्या परिवर्तन भविष्य में हमारे समक्ष होंगे। और इन पंक्तियों में वो बता रहे हैं कि जो सामान्य जन है, जो सामान्य मनुष्य है, वो भी दिव्यता की ओर आगे बढ़ेंगे। इवन द मल्टीट्यूड शेल हियर द वॉइस एंड टर्न टू कम्यून विद द स्पिरिट विद इन एंड स्ट्राइव टू ओबे द हाई स्पिरिचुअल लॉ। तो जो सामान्य जन है, जो जन साधारण है, इवन द मल्टीट्यूड शेल हियर द वॉइस, वह भी दिव्य वाचा को अर्थात अंतरवाणी को सुनेगा। उसके अंतर में जो आत्मा है उसके साथ वह संवाद करेगा। इवन द मल्टीट्यूड शेल हियर द वॉइस एंड टर्न टू कम्यून विद द स्पिरिट विद इन एंड स्ट्राइव टू ओबे द हाई स्पिरिचुअल लॉ। और वह जो आध्यात्मिक विधान है उसका पालन करने का प्रयास करेगा। तो मनुष्य अभी किस विधान के अंतर्गत कार्य कर रहा है? वो अज्ञान के विधान के अंतर्गत कार्य कर रहा है, वो जड़ जगत के विधान के अंतर्गत कार्य कर रहा है। और तब वह मनुष्य उस शक्ति के प्रभाव के कारण क्या करेगा कि वह उस उन्नत आध्यात्मिक विधान का पालन करने का प्रयास करेगा। इवन द मल्टीट्यूड शेल हियर द वॉइस एंड टर्न टू कम्यून विद द स्पिरिट विद इन एंड स्ट्राइव टू ओबे द हाई स्पिरिचुअल लॉ। और इस प्रकार ये जो संपूर्ण धरा है और जो मानव जाति है, वो अपने अंतर में स्थित दिव्यता के प्रति, देव के प्रति जागृत हो जाएगी। दिस अर्थ शेल स्टर विद इंपल्सेस सबलाइन। और यह जो पृथ्वी है वो दिव्य आवेगों से आंदोलित होगी, अर्थात उसके अंतर में दिव्य स्पंदन उत्पन्न होंगे। दिस अर्थ शेल स्टर विद इंपल्सेस सबलाइन ह्यूमैनिटी अवेक टू डीप सेल्फ। और मानवता अपने अंतर में जो गोपित आत्मा है उसके प्रति जागृत होगी। नेचर द हिडन गॉड हेड रिकग्नाइज। और प्रकृति अपने अंतर में स्थित जो गोपित देव है उसको पहचान लेगी। दिस अर्थ शेल स्टर विद इंपल्सेस सबलाइम ह्यूमैनिटी अवेक टू डीपेस्ट सेल्फ नेचर द हिडन गॉड हेड रिकग्नाइज। और बहुत सारे जो मनुष्य हैं वो इस परिवर्तन का उत्तर देंगे, वो इस ओर आगे बढ़ेंगे। इवन द मैनी शेल सम आंसर मेक एंड बियर द स्प्लेंडर ऑफ द डिवाइन रश एंड द इम्पेचुअस नॉक एट अनसीन डोर्स। तो इस धरा पर उपस्थित बहुत से मनुष्य उस शक्ति का उत्तर देंगे। इवन द मैनी शेल सम आंसर मेक एंड बियर द स्प्लेंडर ऑफ द डिवाइन रश। और वह जो भागवत शक्ति है उसका जो भव्य प्रभाव नीचे की ओर आएगा उसको वहन करेंगे। एंड बियर द स्प्लेंडर ऑफ द डिवाइन रश एंड हिज इम्पेचुअस नॉक एट अनसीन डोर्स। और वह जो दिव्य शक्ति है उसकी दस्तक, और वो कैसी है दस्तक, उसकी नॉक कैसी है, इम्पेचुअस, जो कि प्रबल है, शक्तिशाली है।
उसको अपने अदृश्य द्वारों पर सुनेंगे, अर्थात उसके प्रति सचेत हो जाएंगे। इवन द मैनी शेल सम आंसर मेक एंड बियर द स्प्लेंडर ऑफ द डिवाइन रश एंड हिज इम्पेचुअस नॉक एट अनसीन डोर्स। और इस प्रकार उनके मन दिव्य प्रकाश से और उनके जो हृदय हैं वो दिव्य आनंद से और दिव्य शक्ति से भर जाएंगे। ए हेवनलियर पैशन शेल अपहीव मैन्स लाइव्स, देयर माइंड शेल शेयर इन द इनएफेबल ग्लीम, देयर हार्ट शेल फील द एक्सटेसी एंड द फायर। तो एक दिव्य आवेश होगा, ए हेवनलियर पैशन शेल अपहीव मैन्स लाइव्स, और जो मनुष्य का जीवन है वो उस दिव्य आवेश से भर जाएगा, उससे ऊपर उठेगा। ए हेवनलियर पैशन शेल अपहीव मैन्स लाइव्स, देयर माइंड शेल शेयर इन द इनएफेबल ग्लीम। और यह जो चमक नीचे आएगी, यह जो प्रकाश आएगा वो कैसा है? इनएफेबल, अवर्णनीय है, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। उसकी चमक उनका मन प्राप्त करेगा, अर्थात उनका मन प्रकाशित हो जाएगा। ए हेवनलियर पैशन शेल अपहीव मैन्स लाइव्स, देयर माइंड शेल शेयर इन द इनएफेबल ग्लीम, देयर हार्ट शेल फील द एक्सटेसी एंड द फायर। और उनका जो हृदय है वो अतिरेक आनंद और अग्नि को, शक्ति को अनुभव करेगा। और क्या परिवर्तन होंगे? अर्थ्स बॉडीज शेल बी कॉन्शियस ऑफ ए सोल, मॉर्टेलिटी बॉन्ड स्लेव शेल अनलूज देयर बॉन्ड्स, मियर मेन इंटू स्पिरिचुअल बींग्स ग्रो एंड सी अवेक द डम डिविनिटी। तो यह जो पार्थिव देह हैं, जो जड़ तत्व से निर्मित हैं, अर्थ्स बॉडीज शेल बी कॉन्शियस ऑफ ए सोल, वो आत्मा के प्रति सचेत हो जाएंगी। अर्थ्स बॉडी शेल बी कॉन्शियस ऑफ ए सोल, मॉर्टेलिटीज बॉन्ड स्लेव्स शेल अनलूज देयर बॉन्ड्स। और जो मनुष्य मृत्यु के दास हैं, मॉर्टेलिटीज बॉन्ड स्लेव्स, वो मृत्यु के बंधनों को खोल देंगे, शेल अनलूज देयर बॉन्ड्स, वो अपने बंधनों को खोल देंगे। नियर मेन इंटू स्पिरिचुअल बींग्स ग्रो, और जो अभी केवल मनुष्य हैं, अर्थात जो मन के विधान से चलते हैं, वो अब आध्यात्मिक जीव में विकसित हो जाएंगे, अर्थात वो आध्यात्मिक विधान से आगे बढ़ेंगे। एंड सी अवेक द डम डिविनिटी, और वह जागृत अवस्था में अंतर्गोपित जो मूक दिव्यता है उसको देखेंगे। अर्थ्स बॉडीज शेल बी कॉन्शियस ऑफ ए सोल, मॉर्टेलिटीज बॉन्ड स्लेव्स शेल अनलूज देयर बॉन्ड्स, मियर मेन इंटू स्पिरिचुअल बींग्स ग्रो एंड सी अवेक द डम डिविनिटी। और सत्यलोक से आई हुई प्रकाश की किरणें, प्राज्ञ की किरणें या सत्य किरणें, जो धरा के शिखर हैं, अर्थात धरा की जो उन्नत रचनाएं हैं और जो धरा के आधार हैं, उन सब को स्पर्श करेंगी, उनको प्रकाशित करेंगी। और इस प्रकार प्रकृति की जो गहनताएं हैं वो भी आंदोलित हो जाएंगी।
intuitive beams shall touch the nature's peak. सत्य की जो किरणें हैं वो प्रकृति के शिखरों को स्पर्श करेंगी. Intuitive beams shall touch the nature's peaks, a revelation stir the nature's depth. और जो प्रकृति की जो गहनताएं हैं वहां पर भी सत्य का उद्घाटन होगा और वह उसके कारण से स्पंदित होंगी, आंदोलित होंगी, अर्थात सत्य वहां पर भी कार्य करेगा. Intuitive beams shall touch the nature's peaks, a revelation stir the nature's depths. और तब जो सत्य है वो सामान्य मनुष्यों के जीवन का नेतृत्व करेगा और वे सामान्य मनुष्य भी देवताओं के समकक्ष हो जाएंगे. The truth shall be the leader of their lives. Truth shall dictate their thought and speech and act. तो जो सत्य है वह जो सामान्य मनुष्य हैं उनके जीवन का नेता होगा, उनका नेतृत्व करेगा. The truth shall be the leader of their life. Truth shall dictate their thought and speech and act. और वह सत्य उनके विचारों को, उनकी वाणी को और उनके कर्म को संचालित करेगा. The truth shall be the leader of their lives. Truth shall dictate their thought and speech and act. They shall feel themselves lifted near to the sky as if a little lower than the gods. और वे मनुष्य ऐसा अनुभव करेंगे कि वो स्वर्ग के निकट उठ गए हैं. They shall feel themselves lifted near to the sky. तो वो स्वर्ग के निकट उठा हुआ अनुभव करेंगे. As if a little lower than the gods. मानो वो देवताओं से कुछ ही कम हो. अर्थात वह मनुष्य भी देवताओं के समकक्ष हो जाएंगे. और ये किन मनुष्यों की बात हो रही है? जो इस धरा पर सामान्य जन होंगे. The truth shall be the leader of their lives. Truth shall dictate their thought and speech and act. They shall feel themselves lifted near to the sky as if a little lower than the gods. और ज्ञान की जो रश्मियां हैं, जो उज्जवल धाराएं हैं, वो धारा पर उतरेंगी और ऐसे मनुष्य जो अप्रकाशित मन लिए हुए हैं, जिनका मन अज्ञान पर कार्य कर रहा है, वे भी प्रकाश की ओर अग्रसर होंगे. For knowledge shall pour down in radiant streams. क्योंकि ज्ञान की जो उज्जवल धाराएं हैं वो धरा पर बरसेंगी. For knowledge shall pour down in radiant streams and even darkened mind quiver with new life. और यहां तक कि जो अप्रकाशित मन है, जो अंधकार से ग्रसित हैं, ऐसे मनुष्य वो भी एक नए जीवन से, नए प्राण से स्पंदित होंगे. एंड इवन डार्कन्ड माइंड क्विवर विद न्यू लाइफ एंड किंडल एंड बर्न विद द आइडियल्स फायर. और यह जो अप्रकाशित मन है इनके अंतर में भी आदर्श की अग्नि प्रज्वलित होगी, दीप्तमान होगी, अर्थात उनमें आदर्श अपना स्थान बना लेगा. एंड टर्न टू एस्केप फ्रॉम मॉर्टल इग्नोरेंस. और यह मनुष्य नश्वर अज्ञान से, उससे मुक्त होने को
अपना मार्ग बदल लेंगे, अर्थात वह प्रकाश की ओर और अमरता की ओर अग्रसर होंगे। For knowledge shall pour down in radiant streams, and even darkened mind quiver with new life, and kindle and burn with the ideal's fire, and turn to escape from mortal ignorance. तो जब ज्ञान की उज्जवल धाराएं धरा पर उतरेंगी, तो यह जो सामान्य मनुष्य हैं, जिनका मन अभी अप्रकाशित है, अंधकार से ग्रसित है, वो भी आदर्श से प्रज्वलित हो जाएंगे, दीप्तमान हो जाएंगे और प्रकाश की ओर और अनश्वरता की ओर, अमरता की ओर अग्रसर होंगे। इस प्रकार अधिकाधिक मनुष्य रूपांतरित होंगे, प्रकाशित होंगे। द फ्रंटियर्स ऑफ द इग्नोरेंस शैल रिसीड, मोर एंड मोर सोल्स शैल एंटर इन टू लाइट। तो जो अज्ञानता की जो सीमाएं हैं, उसके जो फ्रंटियर्स हैं, फ्रंट्स हैं, फेस हैं, द फ्रंटियर्स ऑफ द इग्नोरेंस शैल रिसीड, वो पीछे हट जाएंगे, अर्थात अज्ञानता दूर होती जाएगी, अंधकार हटता जाएगा और प्रकाश बढ़ता जाएगा। द फ्रंटियर्स ऑफ द इग्नोरेंस शैल रिसीड, मोर एंड मोर सोल्स शैल एंटर इन टू लाइट, और अधिक से अधिक आत्माएं प्रकाश में प्रवेश करेंगी। माइंड्स लिट इंस्पायर्ड द अकल्ट समनर हियर। तो मन जो प्रकाशित हो जाएंगे, प्रज्वलित हो जाएंगे, प्रेरित हो जाएंगे, माइंड्स लिट इंस्पायर्ड द अकल्ट समनर हियर, वो अपने अंतर में स्थित गुह्य देव की पुकार सुनेंगे। अर्थात जब मन प्रकाशित होगा, तो वह अंतर स्थित देव के प्रति जागृत हो जाएगा। माइंड्स लिट इंस्पायर द अकल्ट समनर हियर, एंड लाइव्स ब्लेज विद ए सडन इनर फ्लेम। और उनका जो जीवन है, वो अंतर में एक सहसा उत्पन्न हुई ज्वाला से जगमगा उठेगा। अर्थात उनका जीवन भी जो अंतर स्थित अग्नि है, उससे प्रकाशित हो जाएगा। एंड लाइव्स ब्लेज विद ए सडन इनर फ्लेम, एंड हार्ट्स ग्रो इनेमर्ड ऑफ डिवाइन लाइट। और उनका जो हृदय है, वो इस दिव्य आनंद के प्रति अनुरक्त हो जाएगा, उससे मोहित हो जाएगा, उसकी ओर खिंचा चला जाएगा। The hearts grow enamored of divine light, and human wills tune to the divine will. और जो मनुष्य के जो संकल्प हैं, जो अभी अहंकार से चालित होते हैं, वह भागवत संकल्प के अनुरूप हो जाएंगे। Minds lit inspired the occult summoner here, and lives blaze with a sudden inner flame, and hearts grow enamored of divine light, and human wills tune to the divine will. और यह जो मनुष्य हैं, जो अलग अलग सत्ता लिए हुए हैं, वे अपने अंतर में एक एकात्मता अनुभव करेंगे। These separate cells, the spirits oneness feel. तो ये जो अलग अलग मनुष्य हैं, वह उस परम आत्मा की एकता अनुभव करेंगे। These senses of heavenly sense grow capable. और इन मनुष्यों की जो इंद्रियां हैं, वो स्वर्गिक बोध
का अनुभव करने के लिए सक्षम हो जाएंगी। अभी जो हमारी इंद्रियां हैं वो स्वर्गिक बोध है, उसको पकड़ नहीं सकती है, परंतु वह रूपांतरित हो जाएंगी। द फ्लैश एंड नर्व्स ऑफ अ स्ट्रेंज इथीरियल जॉय, और उनकी देह और नाड़ियां तंत्रिकाएं एक अद्भुत स्वर्गिक आनंद को अनुभव करने हित सक्षम हो जाएंगी। एंड मॉर्टल बॉडीज ऑफ इमॉर्टेलिटी, और यह जो नश्वर देह है वो अमरत्व के प्रति सक्षम हो जाएगी। तो यह रूपांतरण मानव जाति का हो जाएगा। दीज सेपरेट सेल्स द स्पिरिट्स वननेस फील, दीज सेंसेस ऑफ हेवनली सेंस ग्रो कैपेबल, द फ्लैश एंड नर्व्स ऑफ अ स्ट्रेंज इथीरियल जॉय एंड मॉर्टल बॉडीज ऑफ इमॉर्टेलिटी। और इस प्रकार एक दिव्य शक्ति, एक भागवत शक्ति मनुष्य का संचालन करेगी। ए डिवाइन फोर्स शेल फ्लो थ्रू टिश्यू एंड सेल एंड टेक द चार्ज ऑफ ब्रेथ एंड स्पीच एंड एक्ट। तो एक दिव्य शक्ति मनुष्य की प्रत्येक ऊतक में, प्रत्येक कोशिका में प्रवाहित होगी और उसके श्वास का, उसकी वाणी का और उसके कर्म का संचालन अपने हाथ में ले लेगी। ए डिवाइन फोर्स शैल फ्लो थ्रू टिश्यू एंड सेल एंड टेक द चार्ज ऑफ ब्रेथ एंड स्पीच एंड एक्ट एंड ऑल द थॉट शैल बी अ ग्लो ऑफ सन्स, और उसके सभी विचार सूर्य की चमक होंगे, उसके समान दीप्तमान होंगे। एंड एवरी फीलिंग ए सेलेशियल थ्रिल, और प्रत्येक अनुभव एक दिव्य रोमांच होगा। ए डिवाइन फोर्स शैल फ्लो थ्रू टिश्यू एंड सेल एंड टेक द चार्ज ऑफ ब्रेथ एंड स्पीच एंड एक्ट एंड ऑल द थॉट शैल बी ए ग्लो ऑफ सन्स एंड एवरी फीलिंग ए सेलेशियल थ्रिल। तो इस प्रकार से एक दिव्य शक्ति मनुष्य का संचालन करेगी और तब उसका मन प्रकाशित हो जाएगा, उसका प्रत्येक अंग आनंद से भर जाएगा और संपूर्ण प्रकृति में एक शक्तिशाली उपस्थिति भर जाएगी। ऑफ्टन अ लस्टरस इनर डॉन शेल कम लाइटिंग द चेम्बर्स ऑफ द स्लम्बरिंग माइंड, ए सडन ब्लिस शेल रन थ्रू एवरी लिम एंड नेचर विद ए माइटियर प्रेजेंस फिल। तो अक्सर कैसा होगा, ऑफ्टन अ लस्ट्रस इनर डॉन शेल कम, तो बहुधा एक आंतरिक ऊषा उदित होगी और वह ऊषा, वह प्रकाश क्या करेगा, लाइटिंग द चेम्बर्स ऑफ द स्लम्बरिंग माइंड, और वो सोए हुए मन के जो अनेकों कक्ष हैं उनको आलोकित कर देगी। ऑफ्टन अ लस्ट्रस इनर डॉन शेल कम लाइटिंग द चेम्बर्स ऑफ द स्लम्बरिंग माइंड, अ सडन ब्लिस शेल रन थ्रू एवरी लिम, और प्रत्येक अंग में एक आनंद की लहर दौड़ पड़ेगी। एंड नेचर विद ए माइटियर प्रेजेंस फिल, और यह जो प्रकृति है एक शक्तिशाली उपस्थिति से भर जाएगी। वह जो शक्ति है ऊर्ध्व में स्थित, वो इस धरा में व्याप्त हो जाएगी। ऑफ्टन अ लस्ट्रस इनर डॉन शेल कम
lighting the chambers of the slumbering mind, a sudden bliss shall run through every limb, and nature with a mightier presence fill. और इस प्रकार जो सामान्य मनुष्य हैं, वो भी दिव्यता को अनुभव करेंगे. Thus shall the earth open to divinity, and common natures feel the wide uplift, illumine common acts with the spirit's ray, and meet the deity in common things. तो इस प्रकार से यह जो धारा है दिव्यता के प्रति उद्घाटित हो जाएगी, उसके लिए तत्पर हो जाएगी. Thus shall the earth open to divinity, and common natures feel the wide uplift. और जो सामान्य मनुष्य हैं, वह भी एक विस्तृत उत्थान को अनुभव करेंगे, जिसे चारों ओर प्रकृति ऊपर उठ रही है. इल्यूमिन कॉमन एक्ट्स विद द स्पिरिट्स रे, और जो सामान्य क्रियाएं हैं वह भी आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएंगी. एंड मीट द डेटी इन कॉमन थिंग्स, और वे सामान्य द्रव्यों में भी देवता से भेंट करेंगे. Thus shall the earth open to divinity, and common natures feel the wide uplift, illumine common acts with the spirit's ray, and meet the deity in common things. और अब ये जो पंक्तियां आ रही हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं. ये जो परम प्रभु का सावित्री को उद्बोधन चल रहा है, उसकी ये अंतिम पंक्तियां हैं, और इन पंक्तियों के द्वारा उस सार रूप में एक बार पुनः परम प्रभु भगवान घोषणा कर रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि इस धरा पर जो पार्थिव जीवन है वो एक दिन दिव्य जीवन बन जाएगा. Nature shall live to manifest secret God. The spirit shall take up the human play. This earthly life become the life divine. एक प्रकार से कहें तो ये पंक्तियां सावित्री की पराकाष्ठा है, जहां पर परम प्रभु इस धरा के रूपांतरण की घोषणा कर रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं. इसके पश्चात जो शेष पंक्तियां हैं उनमें अब ये वाणी इसके बाद नहीं होती है. ये अंतिम संदेश है उनका, वह हमारे समक्ष है. नेचर शैल लिव टू मैनिफेस्ट सीक्रेट गॉड. तो यह जो प्रकृति है वह अपने अंतर में गोपित भगवान को प्रकट करेगी. द स्पिरिट शैल टेक अप द ह्यूमन प्ले, और परमात्मा मानवीय जीवन का संचालन करेंगे. दिस अर्थली लाइफ बिकम द लाइफ डिवाइन, और यह पार्थिव जीवन दिव्य जीवन बन जाए. तो हम यहां पर रुकेंगे, और इसके पश्चात जो पंक्तियां आती हैं उसमें हम देखते हैं कि इस घोषणा और आश्वासन के पश्चात वो प्रभु की वाणी लौट जाती है, और उसके पश्चात सावित्री सत्यवान की आत्मा को अपने अंतर में लिए धरा की ओर लौट आती हैं. तो हम लोग यहां पर शांति मंत्र का पाठ करते हुए श्री मां का धन्यवाद करते हुए, उनको एक बार नमन करते हुए इस सत्र को विराम देंगे.
शांति। शांति। नमस्कार, धन्यवाद।